चिराग पासवान मुख्यमंत्री का जदयू के खिलाफ चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। पासवान ने कहा कि जिस तरीके से 7 निश्चय में घोटाले हुए हैं उसको लेकर कि जब उन्होंने सवाल उठाए हैं तो मुख्यमंत्री और जदयू लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पासवान ने इनकम टैक्स विभाग को धन्यवाद दिया कि जिसने नल जल योजना में मामले में उजागर किया है। उन्होंने कहा, नल जल योजना मुख्यमंत्री के नाक के नीचे घोटाला होते रहे मुख्यमंत्री को कैसे पता नहीं चला। पासवान ने यह भी कहा कि मुंगेर में जिस तरीके से दुर्गा भक्तों पर गोली चलाई गई, क्या यह जीरो टॉलरेंस है। पासवान ने यह भी कहा है, अगर घोटाले की बात उठाने लगते हैं तो वह गलत हो जाता है, तो क्या यह लोग लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। मैं पक्षधर रहा हूँ शराबबंदी का। उस वक्त 2016 में जिस तरीके से शराबबंदी की बात हुई थी, विपक्ष में होने के बावजूद उस वक्त मैंने इसका समर्थन किया था, इसको लागू कराया जाएगा। बट हाँ, जिस तरीके से तस्करों को बढ़ावा दिया जा रहा है या तस्करी का पैसा मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। इतना मुश्किल तो है नहीं, आयकर विभाग राज्य सरकार के अंतर्गत आता नहीं है, तो अगर इसकी जाँच अगर आयकर विभाग के द्वारा अगर की जा रही है, वो अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं देखिए। और अंतोगत्वा जब इतनी भारी संख्या में, जब 12 करोड़ स्वर एक साथ उठते हैं, जब 12 करोड़ लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया इसमें घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, कोई एक संतुष्ट व्यक्ति बता दीजिए ना जो 7 निश्चय से संतुष्ट हो। तो जब इतनी बड़े तादाद में, इतने प्रमुखता से जब स्वर उठते हैं, तो उसको दबाया छुपाया तो जा नहीं सकता। मुख्यमंत्री ज़रूर कान में तेल लोई डालकर बैठ सकते हैं, बट बाकी एजेंसी तो अपना काम कर ही रही है स्वतंत्रता से। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने लिखा है, पर्यटक की अनंत संभावनाएं, रिलीजियस टूरिज्म और टूरिज्म एज अ होल को अगर आप मिलाकर देखें। सीतामढ़ी में गया था, मैंने बोला कि माता सीता कि हाँ मैं संकल्प लेकर आया हूँ कि मैं वहाँ पर भव्य राम मंदिर अयोध्या की तर्ज पर मैं भव्य सीता माता का मैं मंदिर बनाऊंगा। इसके पीछे मेरी व्यक्तिगत आस्था तो एक तरफ है, पर साथ ही मैं सोची एक एक कर ऐसे ही लक्ष्मण में भगवान महावीर या वैशाली हो या बोध गया, बोध नगरी गौतम बुद्ध की हो या पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का, जितने ऐसे धार्मिक रिलीजियस टूरिज्म है उसको अगर बढ़ाया जाए, जितने सूफी संतों की मजार हैं उसको अगर एक सर्किट से जुड़ा जाए, तो मैं तो इस सोच की बात कर रहा हूँ, मैं तो जनता के सामने अपना विजन रख रहा हूँ। आप मुझे बताइए ना आपका विजन क्या है। नली गली तो आपकी बनी नहीं 5 साल में, नल जल के ऊपर ऑलरेडी जाँच आपकी शुरू हो गई है, और उस जाँच की बौखलाहट है कि भैया आप इस तरीके से हर मन से आप गुस्सा कर रहे हैं, लोगों की बातें आप नहीं सुन रहे, और उसके बाद जब आपको कोई जवाब नहीं मिलता तो आप निजी हमले कर रहे हैं। तो मैं पुनः आपके माध्यम से एक तरफ जहाँ बिहार की जनता को मैं बधाई देता हूँ, वहीं मैं आयकर विभाग केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस बात को मैं इतनी प्रमुखता से निरंतर लंबे समय से उठा रहा था, और मैंने इसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में भी किया है। ये नहीं कि चुनाव प्रचार में यकायक मुझे लगा कि ये मुद्दा मुझे करना चाहिए, मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जब यात्रा शुरू की थी उसी वक्त लोगों ने मुझे टूटी हुई नली गली दिखाई थी और फटे हुए पाइप्स और टैंक्स दिखाए थे, उसी वक्त मैंने जिक्र किया था कि इसकी जाँच हम लोग की अगली सरकार में होगी, तो इसकी जाँच होगी। मैं पुनः दावे के साथ कहता हूँ कि अगली लोजपा की सरकार बनेगी, पहले चरण के जो रुझान हम लोग के सामने आए हैं वो मुझे संतुष्ट करते हैं कि अगली भाजपा लोजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मौजूदा मुख्यमंत्री, मतलब इसको लिख कर रख लीजिए कि कभी दोबारा 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस बात को लिख कर रख लीजिए, दावे के साथ मैं कहता हूँ। और वहीं भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम लोग लागू कराएंगे, और जो जांच की हमने शुरुआत की है उस जांच को और तेज करवाकर और पुनः दोहराऊं कि मुख्यमंत्री की भी जांच की जाएगी, और दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री को भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर आप हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।